क्लास 11 हमारा ड्राइंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि है पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द एंड आर्ट एंड द आर्किटेक्चर, यानी कि भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्यकालीन प्रवृत्तियाँ, यानी कि मौर्य काल के समय क्या क्या भारत में उन्होंने क्या क्या बनवाया था उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 3 चैप्टर कम्प्लीट हो चुके हैं, आज 4 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। ईसा पूर्व 2 शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, ईश्वर को, अभीरो और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व और 2 शताब्दी में सनातन धर्म के 2 मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व 2 शताब्दी में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण विदिशा, बरहुत है मध्य प्रदेश में, बोधगया जो कि बिहार में है, जग्गेपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भुज पुणे के निकट और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भरहुत। भरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की एक की तरह दीर्घाकार है। प्रतिमाओं के आयतन के कारण के निर्माण में कम उभार की लेकिन रेखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा ऊपरी नहीं है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम है, एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन जो जो समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि के साथ एक साथ चित्रित की गई है, जबकि कहीं कहीं पर घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकार द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान जो कि कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों से जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती के आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और इसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथ और पैरों को बाहर निकाला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बड़ा हुआ दिखाया गया। शरीर ज्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता था और जो भुजाएं थी वो पैर शरीर के साथ चिपके हुए से दिखाई देते थे, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा लगने लगा। बरहुत, बोधगया, सांची स्तूप और जग्गेपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण है। बरहुत की आख्यान उद्भृतियों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पी अपना चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्भृति
में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की को यानी गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उसमें कथा और कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे लूलू जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला था और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा, लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई है, यानी कि स्तूप के ऊपर जो चित्र बनाए गए थे वो किसी ना किसी जातक कथाओं के ऊपर ही आधारित थे। उन जातक कथाओं से लेके उनको चित्रित किया जाता था, उकेरा जाता था पत्थरों पे। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों त्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की भी सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को घूमते हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब एक जैसी ये सब जगह एक सी पाई जाती है। बरगुत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी जा सकती है, देखी जा सकती है, यानी कलकत्ता के जो संग्रहालय है वहाँ पे हम देख सकते हैं। सांची का स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बैगनी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप में ऊपर और नीचे दो प्रतिष्ठीणा पथ है। इसके चार तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उबारदार है और संपूर्ण अंतराल भी भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती है। सिर काफी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता अनम्यता कम हो गई, आकृतियों को गति दे दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया, उकेरने की तकनीकें बरगुत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत हुई है। मतलब जो बरगुत की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उससे ज्यादा अच्छी सांची में प्राप्त हुई है, सांची का जो स्तूप प्राप्त हुआ है उसमें। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषता पाई जाती है, हालांकि उसके रूपाकृतिक यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मथुरा, सारनाथ एवं गांधार। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार जो कि अब पाकिस्तान में है और मथुरा
और दक्षिण भारत में वैगनी जो कि आंध्र प्रदेश में है कला उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार की मूर्ति कला की परंपरा में बैक्ट्रिया पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्ति कला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बड़ी उदाहरण है पंजाब के संगोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियां जैसी बनी, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा के आरंभिक जैन तीर्थकों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं यानी मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखालिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों जो कि चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है, लेकिन प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं, उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया, उसमें मांसलता दिखाई है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध यक्ष यक्षिणी शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी है बड़ी संख्या में बनाई गई थी। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं के में विषया शक्ति केंद्रिकता आ गई, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल के हो गए। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई और मांसलता के अधिक कसाव आ गया। इसमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की पांचवी और छठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण यानी आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय का उदय हुआ जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्ति कला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही, उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन में के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। सिर के चारों ओर आभामंडल बना हुआ है जिसमें सजावट बहुत कम की हुई है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तरह तली दिखाई गई है यानी लेयर्स दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभामंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा सारनाथ वाराणसी नई दिल्ली चेन्नई अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी के बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव निमोली का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है, अलबत्ता प्रतिमाएं चेहरे छत हरे या पतले रूप